13 रन, छक्का मारे, करारा छक्का लगाया पप्पू जी के बल्ले से यहाँ पे, इसके लिए स्कोर यहाँ पहुंचा है 13 रन। सूरत के कुछ समझ नहीं पाए यहाँ पे पप्पू जी, इसी के चलते गेंद रही डॉट, यहाँ इसी डॉट के चलते स्कोर यहाँ पहुंचा है, पहले ओवर हाथ के बाद स्कोर यहाँ पहुंचा है 13 रन। 5-5 गेंद का ये एक ओवर होगा, 4 ओवर का ये मैच, हर ओवर में 5 गेंदे फेंकी जाएगी, तो पहली 5 गेंदों के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। एक चौका, एक सिक्स, एक डबल, एक सिंगल, डॉट के चलते हुए ओवर खत्म किया विनोद ने। दूसरा ओवर लेकर कौन आएगा? मेरे ख्याल से दूसरा ओवर लेकर आएंगे राज। आने के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। अगला ओवर लेकर आएंगे नवाज। नवाज इससे पहले 2-11 के सामने हैट्रिक विकेट लेके अपनी टीम को मैच जिताया था। देखना है नवाज इससे पहले जो गेंदबाजी किए थे वह उसी तरह का गेंदबाजी होगी या नहीं, उसे देखना है अभी। आज पहली गेंद लेके सामना करेंगे खतरनाक मोड में और इस ग्राउंड के सबसे खूबसूरत खिलाड़ी एक हार्ड हिटर मनोहर हिटमैन, जिनका जर्सी नंबर है 45। कुछ समझ नहीं पाए उंगलियों का जादूगर यहाँ पे, ट्रेक स्पेल अच्छे कागा बदली और कुछ समझ नहीं पाए यहाँ पर मनोहर। पप्पू जी जानते हैं कि पाकिस्तान में भी गेम किस तरह खेलना है, नवाज को देखेंगे। यहाँ देखिए पप्पू जी को भी बीच में आया यहाँ पे नवाज ने खूबसूरत गेंदबाज, एक खूबसूरत बल्लेबाज, एक अच्छा खिलाड़ी, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर नवाज यहाँ पे आपको नजर आएगा खेलते हुए। जब से एवेंजर टीम बनी है तब से लेके अभी तक हमने नवाज को क्या करते देखा है यहाँ पर। नवाज कितनी देर लेके तैयार, सामना करेंगे पप्पू जी। खूबसूरत शॉट लगाने की कोशिश, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे आई नहीं, इसी के चलते टॉप पेस में था आज, लेकिन खिलाड़ी गोपी ने उस कैच को छोड़ा और ये कैच को छोड़ना आपके लिए कितना महंगा साबित होगा आने वाला 10 मिनट आपको बताएगा। आमिर अली जहां कहीं भी हो इरशाद भाई आपको बुला रहे हैं, आमिर अली। तो मेरे ख्याल से ये नवाज की चौथी गेंद, इनसाइड आउट मारने की कोशिश, कुछ समझ नहीं पाए, बल्ले पे आई नहीं ठीक तरह से, इसी के चलते 1 रन पूरा किया नवाज ने अपने इस ओवर में। 3 रन खर्च किए हैं 4 गेंदों पर, बहुत ही खूबसूरत ओवर घटना हुआ यहाँ पे नवाज का, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। भाई आखिरी दूसरे ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, मैं बता दूं 5 गेंदों का एक ओवर होगा, तो ये 5वीं गेंद यानी कि इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे पप्पू जी। बहुत ही खूबसूरत गेंद, नवाज सेटर बंद है 34 विकेट का, बहुत ही खूबसूरत ओवर घटता हुआ यहाँ पे। इस ओवर में आए केवल 3 रन और इसी 3 रन के चलते स्कोर क्या पहुंचा है 16 रनों पर। पाकिजा स्पोर्ट्स क्लब बहुत ही खतरनाक टीम यहाँ पे हमें नजर आती हुई, पिछले 2 मैचों में बहुत ही बढ़िया बैटिंग की थी मगर इस बार खामोश रहे, इनका बल्ला खामोश रहा। आगे आने वाले दो ओवर में अनवर और पप्पू जी क्या कर पाते हैं पाकिजा स्पोर्ट्स क्लब के लिए।
तीन ओवर के खात्मे के बाद स्कोर क्या पहुंचा है 36 रन, यानी कि 15 गेंदों में बाकी जो स्ट्रोक क्लब 36 रन बना चुकी है। 5 ओवरों का ये मैच है, 5 गेंदों का एक ओवर है, 4 ओवर है, 5 गेंद होगी हर एक ओवर में, यानी कि टोटल 20 बॉल। 5 ओवर क्यों होता है, हो जाता है फंबल भाई, तो देखना है आखिरी ओवर की जिम्मेदारी कौन निभाएंगे। मेरे ख्याल से राज यहाँ पे थोड़े से एक्टिव नजर आ रहे हैं, शायद राज बॉलिंग मार्क पर अभी राज है। मिड ऑफ के जाने आप देख सकते हैं गोपी को, तो उससे पहले जो ओवर घटा था राजा का, वो ओवर में मिला के रन आए 20 रन, बहुत ही महंगा साबित हुआ वो ओवर 20 रन के चलते। अब आखिरी ओवर बैटिंग मार्क पर है अनवर, सामना करेंगे राज का। बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे, पूरी ऑफ साइड ऑफ स्टंप रखा यहाँ पर अनवर, बल्ले पूरी तरह से आई नहीं। अनवर ने बल्लेबाज को शांत रखना है तो आपको उसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। अगर आप अनवर को जरा सी 2% भी लूज गेंद डालोगे, अनवर उस बॉल को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना नहीं छोड़ते। पाकिजा के अनवर पहली गेंद पे करोड़ छक्के लगाए यहाँ पे आसिफ पुट्टी ने। तो मैं बता दूं, आसिफ पुट्टी एक ऐसा खिलाड़ी जो पहली गेंद से डगआउट से सेट होकर आता है और पहली पहली गेंद पे छक्का लगाने की काबिलियत इस बल्लेबाज में। इसी के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 43, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। तो कल एक मैच हुआ था सीसी वॉरियर्स और तो कल 4 ओवर में सीसी वॉरियर्स ने 66 रन चेस किया था, आखिरी गेंद पे छक्का लगाकर रन ने वो मैच जिताया था। दूसरी गेंद पूरी तरह से बल्ले पे आई नहीं, उसी के चलते जब तक फील्ड होगा 1 रन तो आसानी से पूरा होगा। थोड़े से फंबल के चलते यहाँ से नवा से उम्मीद नहीं थी कि मिसफील्डिंग होगी और मिसफील्डिंग के चलते 2 रन प्राप्त किया, 2 रन के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 45 रन। रोहित शर्मा का जर्सी नंबर 45 और अनवर का भी जर्सी नंबर 45 है। अनवर कहीं ना कहीं अपने आप को हिटमैन मानते हैं और कहीं ना कहीं साबित किया है बहुत वक्त तक अनवर ने इसे। बहुत ही अच्छी गेंद, एक करारा कवर के जानी थी, यहाँ पे आसिफ ने चौका खेला, इस चौके को रोकना बहुत मुश्किल था। अंपायर का इशारा और हमारे बीच अयुब पठान, बहुत दिनों बाद बहुत सालों बाद हमें अयुब भाई यहाँ पे दिखे। अयुब पठान वो हमें खेलते नजर नहीं आए, शायद अभी सीसी वॉरियर्स में खेलेंगे, हो भी सकता है। और कल सीसी वॉरियर्स का जो स्टार खिलाड़ी है नोमान हमारे साथ मौजूद, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की नोमान ने कल। आखिरी गेंद खूबसूरत गेंद यहाँ पे नवाज ने वापस से कैच छूटा है, देखेंगे 2 रन भागेंगे नहीं, ये तो 1 रन ही पूरा नहीं हुआ अभी तक। 1 रन के साथ यहाँ पे शांत होना पड़ेगा, इसी 1 रन के चलते स्कोर क्या पहुंचा है 50 रन। जिस तरह से T20 क्रिकेट में विराट कोहली को हर टाइम पे 50 रन मारना पसंद है, तो उसी तरह से 50 रन पूरे हो चुके पूरी टीम के। विराट कोहली थे जो अकेले 50 मारते थे, यहाँ पे इसीलिए पूरी टीम को मिलकर 50 करना पड़ रहा है। अभी आप देखेंगे ये टीम के खूबसूरत खिलाड़ी को, जैसे कि आप देख चुके हैं पहले खिलाड़ी आ चुके हैं मैदान में मोइन, उसके पीछे है आलम, आलम एक लेफ्टी बल्लेबाज, मौका नहीं मिला आलम को अब तक, और उसके बाद है पीछे शादाब। देखिए सलमान की गैर मौजूदगी में शादाब ने पूरा ये संभाला है, इस टीम को संभाला है, साथ में इमरान भाई भी हमें नजर आएंगे शादाब के बाजू में। तो इमरान भाई तो शादाब के बारे में कह रहा था बहुत ही अच्छे कप्तान है, एक्चुअली अभी तक तो वाइस कप्तान ही रहते हुए क्योंकि सलमान के होते हुए थक जाते थे, तो अभी सलमान ने तो खुल के आए हैं कप्तानी निभाने के लिए। शादाब, आसिफ कुट्टी, सोहेल, एक केजन स्पोर्ट्स क्लब के सोहेल, बहुत ही खूबसूरत ऑलराउंडर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी वहां पर सोहेल की। और आप देख सकते हैं ब्लैक टोपी और ब्लैक टीशर्ट में सोहेल, सोहेल भी एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, वहां पे सोहेल आपको नजर आएंगे, पप्पू भी है, तो बहुत ही बैलेंस टीम है, बहुत ही मजबूत टीम है, फाइनल मारने का दावा रखती है ये टीम।
क्या होता है आगे हमारे बीच छोटे छोटे कदमों से सर इमरान हमारे बीच आते हुए हमारे मेन एम्पायर की भूमिका निभाते हो इमरान, तो सबका तो मैं इंट्रोड्यूस करा दिया आपको बाकी सभी टीम का। जो तो खिलाड़ी के बारे में मैंने बताया नहीं अब तक, वो तो खिलाड़ी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खिलाड़ी में शमशीर शमशीर जहाँ कहीं भी हो आप हर जगह से दिखते हो, आप टीम को संभालते हो, आपके हाथों से कैच नहीं छूटती, तो शमशीर बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी। मेरे ख्याल से सलमान तो ये मैच लाइव देख रहे रहेंगे, तो जहाँ कहीं भी हो सलमान मैच तो आप देख रहे रहेंगे, कॉमेंट्री भी सुन रहे रहेंगे, तो मैं शमशीर को नहीं भूलूंगा। शमशीर तो पुराना खिलाड़ी आपका बुचड़ी से लेके अभी तक शाम से लेके सुबह तक चांद तक शमशीर, और यहाँ पे सेमीफाइनल में क्वालिफाई होने वाली टीम फिरोज इलेवन के खतरनाक ऑलराउंडर हमारे बीच मौजूद हुसैन। युवा मंडल आपका आभारी है, सब लोग खुश है कि आपने मैच जीता और सेमीफाइनल में गए दो रेनी ट्रॉफी के। तो 51 रन बनाने होंगे 4 ओवर में, 4 ओवर में भी आपको 20 गेंदें मिलेगी क्योंकि 1 ओवर में 5 ही गेंद आपको फेंकी जाएगी। पहली गेंद लेके तैयार मोइन, सामना करेंगे विनोद। तेज तर्रार गेंद कुछ समझ नहीं पाई, लगता सीधे की विकेट कीपर के दस्तानों में, तो फील्डिंग की पोजीशन देख ही लीजिए, तो देखिए पॉइंट पे खड़े इमरान, उसके बाजू शादाब, बुजी, सोले, आलम, शमशीर, आसिफ, कुट्टी, सोहेल, अनवर, मोइन, टीम है स्लिप के जाने खड़े हैं, शोहेल दूसरी गेंद लेके तैयार, मोइन खूबसूरत गेंद कुछ समझ नहीं पाए, यहाँ पे बार बार बीट कराने में कामयाब हो रहे हैं मोइन विनोद को। तो मुरासिक के कप्तान रफीक भाई या मोहसिन मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आज के लिए आ जाओ रफीक भाई, मुरासिक के कप्तान आज के लिए आ जाओ, और आयरा एंजल्स हमारा एंजल्स है कप्तान आज के लिए आ गए भाई, बार बार बोलने लग रहा है गला दुखता है। तो इरफान देखिए जैसे मेरी आवाज इरफान तक गई, इरफान ने लबैक किया और हमारे करीब बढ़े, और साथ ही साथ उसके बाजू में बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाज यूसुफ, शायद यूसुफ भी टॉस के लिए आ रहे हैं, टॉस होगा नोरा सिंह और एंजल्स के बीच। तो मोइन तैयार अपनी चौथी गेंद लेकर सामना करेंगे जया जयचंद्रन, समझ नहीं पाए मोई यहाँ पे जया मोई की क्या खूबसूरती गेंदबाजी यहाँ पर खुद समझ नहीं पा रहे, 4 गेंद अभी तक 1 ही रन और लक्ष्य है 51 रनों का, यानी के आने वाली 16 गेंदों पे 50 रनों की जरूरत। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पे मोइन की फॉलो थ्रू में, यकीनन 3 रन बचाया या तो एक गेंद चौके की तरफ जाती थी, तो पहले ओवर के काटने के बाद स्कोर जब पहुंचा है 2 रन जिसमें एक लुक बाय और एक सिंगल, क्या खूबसूरत ओवर घटता हुआ यहाँ पर। तो आसिफ क्या बात है, आसिफ बॉलिंग मार्क पे पप्पू जी टच हुआ यहाँ पे, यहाँ पे नूरा सिंह और आयरा एंजल्स ने टॉस जीता है। इरफान आप दराज टॉस से हमें इशारा कर दीजिए कि आप बल्लेबाज करेंगे या गेंदबाजी करेंगे, आप वहां जाइए उसके बाद हमें इशारा कर दीजिए। आसिफ पुट्टी तैयार, सामना करेंगे जया, पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ रही, यहाँ पे जया ने पूरी तरह से पिकअप किया, स्क्वायर लेग के जाने चढ़ दिया छक्का, गेंद दीवार के टकरा के शमशीर के हाथों में, अब शमशीर के हाथों में आएंगी तो कहाँ जाएगी भाई, सीधे गेंदबाज के पास। अब आसिफ दूसरी गेंद लेके तैयार,
बहुत ही खूबसूरत गेंद वहां पे शादा जब तक फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन छुड़ाया। इसी एक रन के चलते स्कोर क्या पहुंचा है 9 रन। आसिफ तीसरी गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे विनोद। क्या खूबसूरत शॉट आया है यहाँ पे विनोद के बल्ले से, गेंद जा रही है सीमा रेखा बाहर सीधा 6 रनों के लिए। यहाँ पे मैच चालू होता हुआ नजर आ रहा है हमें, जल्दी कद्दू की तरफ से मैच चालू होता हुआ नजर आ रहा है। पहली 3 गेंदों में 13 रन प्राप्त किए, आने वाली 2 गेंदों में देखना है इसी छक्के के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 15 रन, क्योंकि पहले ओवर में 2 रन आए थे। स्कोर हो चुका है 15 रन सिर्फ चलती गेंद के ऊपर। खूबसूरत शॉट वहां पे, वहां पे सोहेल जैसे खिलाड़ी को कैच छूटना तो मेरे ख्याल से कभी कभी होगा ऐसा, तो सोहेल कैच छोड़ेंगे। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, खूबसूरत खिलाड़ी सोहेल, केजीएल स्पोर्ट्स क्लब की रीत की हड्डी समझो, क्योंकि केजीएल स्पोर्ट्स क्लब में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर जो है वो है सोहेल। तो इसी के चलते आसिफ के ओवर में विकेट है, थोड़े से खुश होंगे आसिफ, वहां पे थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी क्योंकि पहली 3 गेंदों में 2 छक्के खाए थे आसिफ। वाला नया बल्लेबाज महेंद्र, महेंद्र मणि देख सकते हैं, जल्दी कट्टू के फाउंडर, जल्दी कट्टू के करता धरता, जल्दी कट्टू के ओनर, कप्तान और अपने लोगों के लीडर यहाँ पर आ चुके हैं महेंद्र मणि। तो आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद, इसको जब पहुंचा है 15 रन। पहली गेंद बैट का बाहरी किनारे लगा, किनारा लगते ही कीपर के पैरों से गेंद टकराई और ओवर की समाप्ति थी। बिंदी गेंद यही आते हैं, बिंदी गेंद के चलते इस ओवर में आए 13 रन, पहले ओवर में 2 रन मिला के हो गए 15 रन। जीतने के लिए 51 रनों का लक्ष्य है, तो 15 रन हुए, यानी के इस 2 ओवरों में 36 रन चाहिए, यानी कि 2 ओवर पूरे नहीं है, 10 गेंदें बची हुई है, 10 गेंदों में 36 रन, 10 गेंद में यानी कि 6 बड़े हिट, 6 छक्के, तो ये पॉसिबल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सोहेल के हाथ में गेंद है, सोहेल कल अजिंक्य को जिस तरह फंसाया था हमने देखा, अब तक सोहेल उसी तरह की गेंदबाजी करते हैं। जया के सामने सोहेल राइट को राउंड विकेट से सामना करेंगे जया का, अकेली गेंद रही, दिशा बन रही व्हाइट, इस वन की मदद इसको क्या पहुंचा है 17 रन, 16 रन माफ कीजिए भाई, 16 रन हुआ है, अब 35 रनों की जरूरत। सोहेल तैयार, सामना करेगी जया, बहुत ही खूबसूरत गेंद वहां पे, पूरी तरह फंसाया था जया को और मोइन के हाथों से कैच छूटना। उस टीम में तो मुझे लगता है नहीं कोई खिलाड़ी कैच छोड़ेगा, सबके सब गाबर का चमन प्लस वाले खिलाड़ी दिख रहे हैं, सब 22, 23 साल, 25 साल, 20 साल वाले दिख रहे हैं, कौन से बच्चे वहाँ। शमशीर है भाई, शमशीर एक्सपीरियंस चाहिए भाई, शमशीर है तो तभी तो ये टीम खड़ी है, तुम शमशीर बुनियाद है, शमशीर पिल्लर है, पप्पू जी तो क्या कहने आपको मालूम है, जब शमशीर अगर पिल्लर है तो पप्पू जी पूरी बिल्डिंग है और अनवर टेरिस है, तो ऐसे मिलकर संभाल रहे हैं और गेट पे खड़े हैं शादा, तो करता करता है मालूम है सलमान नहीं है तो अभी आप चेकेंगे, उनका उनका काम है भाई, तो इंडिया टीम में भी खेलेंगे तो कप्तान ही रहेंगे। तो बहरहाल चलते हैं मैच की तरफ, शॉर्ट पिच गेंद रही इतनी खूबसूरती से, उसे ऑफ साइड से लेफ्ट साइड के जिशान ब्रो के रूप में, ऑफ साइड की गेंद जिस तरह से लेफ्ट साइड में जिशान ब्रो खींचते उसी तरह धोनी ने खींच के मारा, मगर जिशान अभी देख के अफसोस कर रहे हैं कि सीधा मैंने इसे कारनामे क्यों अंजाम नहीं दिए। जिसान के लिए कोई बड़ा मैच नहीं था, जिसान के लिए 3 बॉल का मैच था, लेकिन जिसान ने खुद अपनी समझदारी नहीं दिखाई, उसी के चलते ब्रो इलेवन को यहाँ पे हार का सामना उठाना पड़ा। और सही बात है जिसान, वो मैच आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, आपके वजह से ब्रो इलेवन ने वो मैच हारी है, तो बात को आप एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद यूसुफ का भी हाथ था उसमें, नो डाउट यूसुफ का भी कोई हाथ था मैच हराने में, हम तो बोलेंगे भाई क्योंकि
आयरा एंजल्स इरफान जरा इशारा कर दीजिए आपने क्या डिसाइड किया है। इरफान गेंदबाजी करेंगे, दावत भी है नवासी की स्पोर्ट्स क्लब को बल्लेबाजी की। चलते हैं मैच की तरफ, आने वाली पांच गेंदों में देखना है कितने रन यहाँ पे हेल्प करेंगे मेरे बादशाह खान। कितना रन चाहिए बादशाह खान? 23 यानी के 25 28 रन। वाह क्या बात है, 28 तो लकी नंबर है लेकिन 28 वालों का हमारा नहीं, तो 28 चाहिए। तो 28 रनों की जरूरत, पांच गेंदों में 28 रन, चार छक्के एक चौका, पप्पू जी मैजिक मैन, पांच गेंदे 28 रन, क्या बात है। सामना करेंगे धोनी, पहली गेंद लंबा छक्का, रिंकू सिंह की आत्मा पहली गेंद से इनके अंदर आती हुई, क्या देखना है पप्पू जी ये रन बचाएंगे। अभी तो बहुत लंबा मैच है, चार गेंदों में 22 रनों की जरूरत। आप ये खूबसूरत मंडप देख रहे हैं, यहाँ पे खूबसूरत मंडप, इतना खूबसूरत मंडप ये समीर भाई ने बांधा है, एक बार तालियां हो जाए भाई समीर भाई के लिए। समीर भाई का बहुत ही अच्छा सेटअप था यहाँ पर, तो ये सब बीच में मैं अमीर अली को भूल गया। यहाँ पे खूबसूरत गेंद, तो पूरी तरह से मैच में वापस पप्पू जी लेकर आ गए, तीन गेंदों में 22 रनों की जरूरत। जी अमीर अली आपका तो आपके बारे में कहना बनता है, आप ये टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है, ग्रुप के फाउंडर है, आप क्या है चीता के हम पूरा जानता है कि आपने ग्रुप 11 पे बनाया, वो बात अलग है आप आज टीम में नहीं है, राहुल भूमिका में पहली गेंद हमारे गेंद की सॉल है, आसान से क्या सॉल ने पकड़ा। तो अमीर अली बहुत ही अच्छा इंसान, खुशदिल इंसान और हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, और बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट यहाँ पे आमिर अली ने ऑर्गेनाइज किया है। आप देख सकते हैं कि आमिर अली की मेहनत, जी हाँ रेडबुल तो बनता ही आमिर अली के बारे में, ऑर्गेनाइज के बारे में हम इतनी बातें करेंगे तो ऑर्गेनाइजर तो खुश हो गई, और बहुत बड़े दिल का है भाई, मैंने एक रेडबुल मारा बिरयानी के साथ, बिरयानी के साथ रेडबुल आएगा तुम देखना कुछ ही देर में। क्या बात है यहाँ पे रिवर्स शॉट के साथ चौका, गोपी ने चौका मारा यहाँ पे, लेकिन मैच तो खत्म हो चुका है। जी हाँ आमिर अली बड़े दिल का है भाई, हम साथ में रहते तो हम जानते हैं उसको पर्सनली। पप्पू जी और यहाँ पे भारी किनारा लगा, मैच पूरा खत्म हो गया, महिंद्रा मनी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए, हार्ड लक महिंद्रा है, नेक्स्ट टाइम दूसरेंगे हम आपको तो जल्दी फील्डिंग करा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे एंजल्स आ जाइए भाई मैदान में आ जाइए, आप लोग भी मैच जीतेंगे तो शाम तक आपको खेलना है, लास्ट में एक ओवर दो ओवर खेलने मिलेगा, मजा नहीं आएगा भाई, तो कम से कम फाइनल तीन ओवर का होना चाहिए। हमारे बीच आप देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत जर्सी, रोनाल्डो की जर्सी में जर्सी नंबर 7 चांद, चांद यहाँ से जाते हुए एक रॉयल के